नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी या पेपर लीक का अपराधी वो बच नहीं सकता, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आस्था का विषय है और इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो नियम ये किया कि नेम प्लेट सब जगह होना चाहिए सभी दुकानों में, लेकिन अब उसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि जानबूझ के बांटने की राजनीति हो रही है, बांटने की जरूरत है, क्या कहेंगे? मुझे तो कल हरिद्वार जाने का मौका मिला, कल गुरु पूर्णिमा थी, मैं अपने गुरु जी के भूमा निकेतन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा के लिए गया। हमें रास्ते में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखी, सब लोग बहुत ही अच्छे से अपना नेम प्लेट लगा रहे हैं। उनको ये पता है कि कांवड़ के यात्रियों की शुद्धता और पवित्रता वो उनका इस एक महीने का उद्देश्य है। एक महीने के बाद कौन कहाँ खाएगा, कौन कहाँ नहीं खाएगा, क्या खाएगा, लहसुन प्याज होगा नहीं होगा, वहाँ मीट मटन बनता होगा नहीं बनता होगा, ये उसके बाद तो कोई नहीं पूछेगा। ये सिर्फ एक महीने कांवड़ यात्रा में, जैसे कोई रोजा रखता है तो वो रोजा के दौरान उसका पूजा, उसका जो उपवास की विधि है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो इसके लिए स्वतंत्रता है। वैसे ही कांवड़ यात्री को अपनी शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए उसकी अपनी स्वतंत्रता है। इसलिए ये कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे मैं कल एक दुकान पे चाय पिया, फिर अचानक मन में आ रहा है पूछूं यार ये किसकी दुकान है, तो वो एक मुस्लिम की दुकान थी, तो हमने चाय पिया, हम बराबर हमारी पत्नी थी, हमारे दोस्त लोग थे, तो हमको क्या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कांवड़ यात्री नहीं थे। लेकिन हम कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो अपनी शुद्धता पवित्रता के लिए हम थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसको डिस्टर्ब मत करिए वरना लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनेगा। एक और सवाल, जो सरकारी कर्मचारी है वो आरएसएस का हिस्सा हो सकते हैं, आरएसएस से जुड़ सकते हैं, अब जो ये नया फरमान उसको लेकर भी बहुत ज्यादा ऑपोजिशन जो है सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। धन्यवाद मोदी सरकार, धन्यवाद एनडीए सरकार जिन्होंने वो बैन हटाया। आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है, इस देश में नैतिकता से परिपूर्ण नागरिक बने, देशभक्त नागरिक बने, उसका कोई स्कूल नहीं है, अगर कोई है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो अगर देशभक्ति पूर्ण संस्कृति, भारतीय संस्कृति पूर्ण बनने से आप कोई रोक रहा है तो मैं नहीं समझता वो भारत का मित्र है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।